स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनीश पाराशर पे। आज हम आपको लेके आए हैं पुष्कर के बैद्यनाथ धाम। बैद्यनाथ बाबा का यहाँ मंदिर स्थित है, ये पुष्कर से 10 मील की दूरी पर है। आइए आज आपको दर्शन कराते हैं बैद्यनाथ बाबा के, जो यहाँ की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा बैद्यनाथ के मंदिर। ये भगवान बैद्यनाथ का मंदिर पुष्कर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने पुष्कर तीर्थ में यज्ञ किया था, तो अपने तीर्थ की रक्षा के लिए भगवान शिव का आह्वान किया था। तो यह शिवलिंग, चार दिशाओं में चार शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। ये शिवलिंग स्वयंभू माने जाते हैं, ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, अजगंधेश्वर, बैद्यनाथ और झरनेश्वर। तो आज हम आपको दर्शन कराने के लिए लाए हैं बैद्यनाथ महादेव। तो दोस्तों आइए आपको दर्शन कराते हैं प्राचीन बैद्यनाथ बाबा के। आप लोग देख रहे हैं ये बैद्यनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर हमारे चैनल अनीश पाराशर पे। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घर बैठे पुष्कर के सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन करें। जय पुष्कर राज की। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग प्रकृति की गोद में ये भगवान महादेव का मंदिर और ये नेचुरल वाटर सोर्स। ये पानी 12 महीने आता है पहाड़ों की जड़ों से रिसक के। आप देख सकते हैं ये प्योर पानी है और ये पानी हम लोग पी सकते हैं। ये पानी मिनरल वाटर से भी मिनरल है, मेरी गारंटी है। आप लोग अगर पुष्कर आते हैं तो इन स्थानों पे जरूर आएं, आपको सुकून की और मन की शांति प्राप्त होगी। दोस्तों अगर आप लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो एक बार बैद्यनाथ पहाड़ियों पे जरूर आएं। आप लोग यहाँ मस्त ट्रैकिंग कर सकते हैं और परिवार के साथ आप लोग यहाँ पिकनिक बना सकते हैं। अद्भुत नजारा बाबा बैद्यनाथ पहाड़ियों से हमारे चैनल अनीश पाराशर।